Hey guys, what's up and welcome back to my channel. आज इस वीडियो में ना मैं आपके सामने लेके आऊंगा ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 कार्ड होल्डर्स वॉलेट जिनके MRP बहुत ही ज्यादा है। लेकिन अच्छी बात है गाइस कि ये सारे कार्ड होल्डर्स वॉलेट है ना अपने को 500 रुपए के ही अंदर मिल रहा है। एक्चुअली गाइस ये वीडियो जब मैं शूट कर रहा था ना तो मैं खुद भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हुआ यार कि मैं किस बेस पे कार्ड होल्डर्स वॉलेट मंगाऊं। तो गाइस मैंने यही किया, जितने भी 4+ की रेटिंग थे अमेजोन पे मैंने सबको शॉर्टलिस्ट किया और उसके अकॉर्डिंगली मैंने ये कार्ड होल्डर्स वॉलेट मंगाए। ठीक है, आफ्टर रिसीविंग दिस कार्ड होल्डर्स वॉलेट दो जगह मेरे को ऐसा लगा कि हाँ भाई यहाँ पे अपन फंस गए यार। सो गाइस आई डोंट वांट यार कि आप भी वो चीज में फंसो यार। सो आई जस्ट वांट यू टू सिलेक्ट द बेस्ट वॉलेट फ्रॉम दिस 5, नॉट जस्ट वॉलेट कार्ड होल्डर वॉलेट। तो आप आज फटाफट इसको एक एक करके अनबॉक्स और रिव्यू करेंगे, देखेंगे भाई इसमें से कौन सा कार्ड होल्डर वॉलेट अपने को लेना चाहिए 500 रुपए के अंदर। स्टिक टू दिस वीडियो सो दैट यू सिलेक्ट द बेस्ट वन। और जो मैंने खरीदा वो अच्छा नहीं है गाइस, वो आप नहीं खरीदो। ठीक है, सबसे पहले गाइस मैंने ये वाले कार्ड होल्डर को अनबॉक्स किया। ठीक है, ये जिस ब्रांड ने बनाया ना गाइस उस ब्रांड का नाम है ओफिक्सो, OFIXO। आई नो नाम थोड़ा सा खतरनाक है बट गाइस आफ्टर अनबॉक्सिंग एंड टेकिंग दिस कार्ड होल्डर वॉलेट इन हैंड ना भाई, तो मेरे को जो फील आया ना भाई वो फील काफी अच्छा लगा। मतलब मेटल का फील है, स्टेनलेस स्टील है। ठीक है, वो थ्राइव हो गया ना भाई, मेटल का फील है, स्टेनलेस स्टील है। इस कार्ड होल्डर की अगर मैं साइज वाइज बात करूँ ना गाइस, तो आप देखो ये कार्ड होल्डर हो गया गाइस, ये मेरा हाथ हो गया, मैंने इसमें इजीली बहुत पकड़ लिया। मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ा ऐसा नहीं है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट है, बहुत ही मतलब ऐसा हाथ में फिजिट स्पिनर की तरह भी आप इसको घुमा सकते हो। ठीक है, इसके ऊपर है ना गाइस एक बटन दिया, जब आप बटन को प्रेस करोगे तो गाइस इस तरीके से खुल जाए, सिम सिम करके खुल जाएगा। ठीक है, जैसे खुल जाए सिम करके खुलता है गाइस आप क्या देखते हो, देखते हो कि 1, 2, 3, 4, 5 इसमें आपको 6 कार्ड स्लॉट्स बेसिकली मिल जाते हैं। ठीक है, कितने 6। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात ये गाइस, जब आप पिक्चर्स में देखोगे ना अमेज़न पे, तो आपको ये मटेरियल जो है ना गाइस डेफिनेटली आपको पता ही नहीं चल पाएगा। ठीक है, भले ही वहां पे आप लोगों ने कुछ भी लिखा है लेकिन मैंने इसको हाथ में लेके फील किया ना गाइस, सबसे पहली बात तो मेरे को ऐसा लगा भाई, सबसे पहली बार मेरे को ऐसा लगा गाइस कि ये ना भाई लोग क्या दे रहे, पता है पेपर ही लोग यहाँ पे चिपका के बस ऐसे येड़ा बना के दे रहे। बट गाइस ये पेपर नहीं था। ठीक है, मैंने जो काफी ऐसे काफी मतलब काफी खींचने की और चुक करने की कोशिश की ना गाइस, तो ये फटा नहीं यार। मतलब ये जो मटेरियल ना ये पेपर नहीं है। ठीक है, ना इधर पेपर नॉट हार्ड पेपर या इस तरीके से, ये वो मटेरियल नहीं, कुछ अलग ही मटेरियल है, ये बहुत ही ज्यादा इजिली नहीं फटने वाला है। ठीक है, वरना मेरे को फर्स्ट इंप्रेशन ऐसा लगा था भाई, जब मैंने खोला ना भाई पेपर वेपर में ऐसे चिपका के ऐसे ये केस बना के दे रहे और भाई 300 रुपए ले ले रहे यार। पर्सनली मेरे को पूछेंगे ना गाइस, तो मेरे पास ऐसा कोई भी यंत्र नहीं है। ठीक है, यंत्र मतलब ऐसा ये कार्ड कीपिंग यंत्र मेरे पास नहीं है, क्योंकि मेरे पास इतने कार्ड बेसिकली है ही नहीं। ठीक है, सारे डेबिट कार्ड और मैं क्रेडिट कार्ड बेसिकली यूज भी नहीं करता। ठीक है, और मैं क्यों यूज नहीं करता उसके पीछे भी एक स्टोरी है। प्रीमियमनेस की बात करूं गाइस, तो डेफिनेटली प्रीमियमनेस फील होती है जब हाथ में अपन पकड़ते ना गाइस। तो मेरे हिसाब से कार्ड होल्डर्स का यूज जनरली किसको ज्यादा होना चाहिए पता है मेरे साथ, अगर आपके पास बहुत ज्यादा कार्ड्स है, अगर आपको पता है आप ऐसी जगह जा रहे हो वहां पे आपको कार्ड से पेमेंट करनी है इंस्टेड ऑफ कैरिंग द एंटायर वॉलेट बल्की वाइज, डजंट मेक सेंस ना। आपको पता है मैं जहां पे जा रहा हूं कार्ड से पेमेंट करनी, तो भाई आप ये कैरी करो ना। और एक चीज ये भी होता है ना कि कार्ड अलग रखो और वॉलेट अलग होता है, तो गाइस ये भी होता है कि चलो कभी घूम जाए तो भाई एक ही चीज को ही घूमे, वरना जनरली भाई मिडिल क्लास के प्रॉब्लम ही होती है भाई, जब भी कुछ घूमता है ना तो भाई उनका पूरा सब कुछ जायदाद ही घूम जाती है, मतलब पैन कार्ड आधार कार्ड कार्ड्स वगैरह पेमेंट पैसे वैसे सब घूम जाते हैं। ठीक है, तो ये मतलब ये हैबिट अच्छी है, अगर पास कार्ड ज्यादा है तो आप अलग से कार्ड इसमें रख सकते हो। और ये डेफिनेटली इंप्रेशन भी ऐड करता है, जब भी मैं कहीं पे जाऊँ अगर ये खोलूँ और मैं इसमें से कार्ड निकाल के पेमेंट करूँ और वापस इसमें डालूँ, तो भाई एक 4 लोग आपके बाजू में रहेंगे ना डेफिनेटली देखेंगे, भले 300 रुपए की चीज है बट एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन डेफिनेटली बनता है उस वक्त के लिए। नेक्स्ट गाइस मैंने अनबॉक्स किया ये ABYS, ये ब्रांड का नाम भी खतरनाक है। ठीक है, ABYS का, और ये जो मटेरियल जो लोग दे रहे हैं ना भाई ये जेन्युइन लेदर दे रहे हैं। ठीक है, एमआरपी है ना गाइस क्या पता है क्या 1299 किसके एमआरपी है, लेकिन ये अपने को मिलता है 450 रुपए के आसपास। कितना? मात्र 450। सबसे पहले अनबॉक्स करने के बाद मेरी नजर ये ईगल पे ही पड़ी, और जैसे ईगल के पीछे से मैंने घुमाया गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट स्लॉट मिल जाता है गाइस, उसके अलावा एक अंदर की तरफ मतलब उसके ऊपर एक और स्लॉट था, जब मैंने ईगल की तरफ घुमाया गाइस तो वहां पे एक स्लॉट था और ईगल के पीछे की तरफ भी एक और स्लॉट था। मतलब गाइस बिना खोले आपको 4 स्लॉट इसमें ऐसे ही मिल रहे। और गाइस जब मैंने इस कार्ड होल्डर को खोलने की हिम्मत की, गाइस तो इस तरीके से मोर पंख की तरह खुल गया और मैंने फटाफट से कार्ड स्लॉट गिने गाइस, तो मैं यहाँ का और यहाँ का छोड़ दूं ना, अगर ये जब जो इसको चिपक चिपक के है यहाँ पे और यहाँ पे, तो अंदर आपको 10 कार्ड स्लॉट काफी इजीली रख सकते हो। और यहाँ पे गाइस जो है ना एक इस तरफ चिपक के और ये जो इस तरफ चिपक के ना, यहाँ पे अलग से आप नोट्स वगैरह भी रख सकते हो, कैश वगैरह आप चिल्लर्स वगैरह भी डेफिनेटली रख सकते हो। एंड गुड थिंग गाइस अगर मैं इसका अंदर का मटेरियल भी हाथ लगा के फील करो ना भाई, तो काफी ज्यादा सही है। मतलब ठीक है, ऐसा नहीं है कि काफी ज्यादा हल्का है गाइस, तो आप कार्ड वार्ड जब भी रखोगे तो डेफिनेटली बात है, मतलब डेफिनेटली बात आप कार्ड जितने भी रखोगे ओवर द टाइम, मेरे ख्याल से कार्ड के जैसे तो डेफिनेटली खराब
नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मटेरियल की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा अच्छी है। उसके अलावा अगर आप चिल्लर वगैरह भी रखोगे और उसको बंद करोगे ना गैस, तो यहाँ पर डेफिनेटली कभी भी गैप तो डेफिनेटली नहीं है, ठीक है, तो चिल्लर डेफिनेटली वो नहीं गिरेगा। लेकिन मेरे मन में एक और क्वेश्चन भी आता ना गैस, अगर मैं ये 450 के लूँ तो भाई, लेकिन मेरे एक चैनल पर मैंने ऑलरेडी वॉलेट्स को भी अनबॉक्स और रिव्यू किया है, ठीक है, तो 450 रुपए के आसपास आपको काफी अच्छे वॉलेट्स भी मिल जाते हैं। अब गाइस आपकी रिक्वायरमेंट क्या वो मैटर करता है, ठीक है, इसमें जैसे कि मैंने आपको कहा था आप 10 कार्ड्स में इजीली रख सकते हो गाइस, तो मैंने इसके पहले भी एक वॉलेट वाली एक वीडियो बनाई थी, ठीक है, उस वॉलेट वीडियो में भी ना गाइस मैंने ऐसे वॉलेट लिए थे जो 500 रुपए के अंदर है। अब ये कितने मिल रहा है 450 रुपए में, ठीक है, और 450 के आसपास उसमें मैंने काफी अच्छे वॉलेट मैंने अनबॉक्स किए थे गाइस, जो कि मतलब उसमें भी आप 9 कार्ड्स और बहुत इजीली रख सकते हो। उसके अलावा कैश और कॉइन्स एक्सचेंज भी उन वॉलेट्स में है, ठीक है, तो गाइस आई वुड से अगर इस टाइप का कुछ लेने से अच्छा है ना गाइस आप प्रॉपर अगर एक वॉलेट ही ले लोगे ना मेरे सब 450-500 रुपए के आसपास, तो गाइस वो ज्यादा पर्पस सॉल्व करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्वालिटी खराब है, मैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बात कर रहा हूँ, मतलब 450 रुपए के हिसाब से आइदर मैं ये लूँ या फिर 450 रुपए के आसपास में आइदर वॉलेट लूँ, तो डेफिनेटली आई विल चूज वॉलेट ना, व्हाई आई विल चूज दिस, क्वालिटी वाइज काफी ज्यादा अच्छा है गाइस, और मतलब तो प्रीमियमनेस भी काफी जैसी फील होती है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट गाइस वापस मैंने ओफिक्सो ब्रांड का ही मैंने एक और गलती से मंगा लिया, एक्चुअली गलती से इसलिए हो गया गाइस क्योंकि मैंने जब ऑर्डर कर रहा था गाइस तो मेरे को कलर अलग लगा और रेट डिफरेंस भी लगा, वो जो सिल्वर वाला था 299 में मिल रहा था, ठीक है, और ये जो ब्लैक वाला ना 265 में मिल रहा था गाइस, तो मैंने बोला भाई इसमें मतलब मैं क्यों मतलब कम पैसे क्यों भाई इसके। तो गाइस द अनबॉक्सिंग एंड फीलिंग दिस नाउ ऑलमोस्ट क्वालिटी एकदम सेम ही है, ठीक है, इट्स जस्ट कलर वेरिएशन उसी में, मतलब ये 265 में मिल रहा है और वो 299 में मिल रहा है, बस उतना ही फर्क है और कुछ भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट गाइस मैंने ये निसून ब्रांड का कार्ड होल्डर को अनबॉक्स किया, ठीक है, वेट वाइज अगर बात करूँ ना इसकी बात, तो वेट वाइज में वो काफी ज्यादा हल्का लगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू जो मैं प्रीवियसली 2 महीने अनबॉक्स किए ओफिक्सो वाले, उनका वेट ऑलमोस्ट 70-75 grams के आसपास था गाइस, तो ये तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली उससे काफी कम है, ठीक है, और जो इसका जो मटेरियल जब मैंने फील किया ना गाइस, मटेरियल फील करने से मैं सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जाऊंगा तो लिखा पीयू लेदर ये लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, और डेफिनेटली हाथ लगाने से भी काफी ज्यादा फील होता है। और सेकंडली गाइस जब मैंने इसको खोला है ना भाई, तो खोलने के बाद मैंने अंदर से ये इसका ये निकाल लिया है, ठीक है, और ये निकालने के बाद मैं क्या देख रहा हूँ, अंदर एक बहुत ही सिंपली एक खाचा दिया हुआ अपने को, ठीक है, और गाइस देखो प्यू लेदर यूज किया यार, इसकी जो MRP 1499 के, लेकिन ये अपने को ना 319 rupees में ही मिल रहा है। देखो भाई इस टाइप के जो वॉलेट है ना भाई, ट्रेन में अपने काफी दफा देखा है यार कि वो कार्ड होल्डर के नाम पे बेचते 50 रुपए में, 100 रुपए में, 200 रुपए में, आई अंडरस्टैंड भाई, देखो ये क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी है उससे, बट भाई 320 रुपए मेरे को लगता है थोड़े से ज्यादा लग रहे यार। क्वालिटी वाइज अगर बात करो ना भाई, तो काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी, मतलब जो प्यू लेदर ने यूज किया काफी ज्यादा अच्छा, हाथ लगाने से फील भी काफी अच्छी आती है, और भाई स्टिचिंग वगैरह देखो ना यार, स्टिचिंग एकदम कट टू कट स्टिचिंग, ठीक है, कहीं भी आउट जाते हुए नहीं दिखती, और जब आप कार्ड होल्डर खोलोगे ना गाइस, तो पीछे की तरफ जो ये मटेरियल जो है ना गाइस, ये काफी ज्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ है, मतलब आप जब हाथ लगाओगे ना तो काफी ज्यादा अच्छा फील आए। चला गाइस इसको बंद करने के लिए आप एक मैग्नेट दिया, आप इसको इस तरीके से बंद कर सकते हो टाक टाक। एक और अच्छी चीज ये गाइस, ये कार्ड होल्डर की क्या इसमें क्या, जब भी आप फटाफट कहीं हरी पे रहेगा ना, मैं कार्ड से स्वैप के फटाफट डाला और बंद कर दिया, और जो मेटल वाले थे ना उसमें कैसा ना वो खाचे उन्होंने दिए हुए, ठीक है, तो आपको उसके अंदर से बहुत ही अच्छे से जमा के रखना पड़ेगा, ये थोड़ा एक बहुत माइनर डिफरेंस है। ये वाले में सारे कार्ड आपको एक दूसरे से चिपक के रहेंगे इसमें, ठीक है, एक फैमिली की तरह, और जो वो स्टेनलेस स्टील वाले जितने भी उसमें एक इंडिविजुअल कार्ड अलग अलग रहेंगे एज ए न्यूक्लियर फैमिली। MRP को डेफिनेटली इग्नोर करो यार, इतने महंगे कोई होते क्या, कुछ भी बेवकूफ बना रहे अपने को, लेकिन 320 रुपए आप अपने मगज में रखो, ठीक है, आई मीन दिमाग। नेक्स्ट गाइस मैंने अनबॉक्स किया स्टोराइट का ये कार्ड होल्डर, और जब मैंने खोला ना भाई, जब मैंने ओफिक्सो ब्रांड के जो भी पहले किया ना भाई, मेरे को घंटा कोई भी डिफरेंस लगा ही नहीं इसमें, ठीक है, मेरे को एज इट इज पूरा सेम टू सेम लग रहा था विद द प्रीवियस ब्रांड ओफिक्सो। इन दिस केस ना गाइस, ये वाला जो है ना भाई, ये ओफिक्सो ब्रांड का है और ये है स्टोराइट ब्रांड का, ठीक है, ये अपने को 299 में मिल रहा है भाई, ये अपने को 385 में मिल रहा है। आई एम नॉट गेटिंग लॉजिक यार, मेरे को दोनों ही बहुत ही सेम लग रहे हैं, दोनों ही बिल्ड क्वालिटी भी सेम लग रही है, साइज वाइज भी सेम है, दोनों में ही मैं 6-6 कार्ड रख सकता हूं, तो भाई मैं बेवकूफ हूं क्या, मैं क्यों 385 रुपीज दूं यार। अगर आप अब तक वीडियो को स्टिक है ना भाई, तो आपने बहुत ही अपने 100 रुपए बचा लिए, ठीक है। तो गाइस अगर मैं अपना फाइनल कंक्लूजन दूं ना भाई, तो अमोंग दिस कार्ड होल्डर्स वॉलेट गाइस, मेरे हिसाब से ना भाई, एक तो ये ओफिक्सो ब्रांड का जो 299 का है, वाई टू बाय 299 गाइस, आप इसमें भी दूसरा कलर जो था ना ब्लैक वाला, वो 265 में ही आपको मिल रहा है। एक ये वाला मेरे को काफी अच्छा लगा गाइस, और उसके अलावा मेरे को ये कौन सा, ये निसून का जो है ना, ये प्यू लेदर वाला, मतलब गाइस इन 5 में से ना गाइस मैं ये 2 बहुत ही आराम से शॉर्टलिस्ट कर सकता हूँ, एक 265 और एक 320। अब इन दोनों में से आपको कोई एक चॉइस करना है गाइस, कि अगर आपको मेटल फील वाला लेना ना, तो भाई ये बिंदास लेना ओफिक्सो ब्रांड का, और अगर आपको ये लेदर टाइप अगर थोड़ा फील चाहिए ना आर्टिफिशियल लेदर टाइप,
तो यू गो विद निसून वाला ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इन दोनों में कट्टर कंपैरिजन करूं गाइस, तो देखो वेट वाइज मेरे को डेफिनेटली इसका ज्यादा लाइट वेट है और थोड़ा इसका प्रीमियम ने भी थोड़ा और भी काफी अच्छा लगता है, लेकिन भाई ये भी कोई खोटा नहीं लग रहा, ठीक है, काफी अच्छा लग रहा है। अब इन दोनों में से भाई आपको जो भी लेना आप ले लेना बिंदास, ठीक है, आग बंद करके, यू वॉन्ट रिग्रेट बाइंग दिस। होप ये वीडियो से आपको डेफिनेटली आपका दिमाग क्लियर हो गया हो यार, वरना अगर ये वीडियो नहीं बनाता तो आप डेफिनेटली 100 रुपए ज्यादा दे देते। और गाइस आप ये भी कर सकते हो, अगर आपको किसी गिफ्ट वगैरह भी अगर देना है ना, यू कैन डेफिनेटली गिव दिस एज अ गिफ्ट, गिफ्टिंग पर्पज के लिए भी काफी ज्यादा सही है भाई। और आप सेल्फ यूज भी करो ना, काय को गिफ्ट बन, खुद को यूज करना, तो आप डेफिनेटली करो, कोई दिक्कत ही नहीं है। वीडियो पे कमेंट करके डेफिनेटली मेरे को बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी हो, और प्लस आपके मैंने 100 रुपए भी बचा दिए, तो डू शेयर दिस वीडियो विद अ फ्रेंड जो कि प्लान आउट कर रहा है कार्ड होल्डर्स लेने, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लव यू गाइस।